जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही है। इस सालगिरह के उपलक्ष्य पर सभी हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार पूरे इंडिया में मनाया गया और एक हमारा छोटा सा गांव बसोली, वहाँ पर भी इस त्यौहार को बड़े जोश से मनाया गया। और इस फंक्शन पर जो मुख्य अतिथि थे हमारे, वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन सुमेश सपोलिया जी और एडमिनिस्ट्रेशन तिलकराज जी थापा, एडीसी बसोली, तहसीलदार आमन आनंद, डीएसपी साजिया अख्तर, एसएचओ सिकंदर सिंह जी चौहान और ईओ बसोली सांगड़ा जी और नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन जी और उनके साथ हमारे सीआरपीएफ के जवान इंस्पेक्टर संतोष शर्मा जी और भी स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक गण, नवोदय के प्रिंसिपल, सभी ने शिरकत करी। एडीसी डीडीसी बसोली, पलाई की डीडीसी जम्बाल मैडम और उन्होंने भी शिरकत करी और इस फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से किया। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश को आज़ाद करवाने में हमारे बहुत से शहीदों का हाथ है, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जवानी हिंदुस्तान की आज़ादी पर निशावर कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने अपनी जवानी की परवाह न करते हुए इस देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना आराम त्याग कर देश में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे शहीदों को हमारी तरफ से शत शत प्रणाम। और ये हैं हमारे सुमेश पोलिया जी, जो कि बसोली एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन ऑफ बसोली म्यूनसिपैलिटी, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि झंडा फहराने की तरफ जाते हुए स्टेज की तरफ जाता हुआ काफिला। मुख्य अतिथि महोदय जी ने अपने कार्यक्रमों से ध्वजारोहण किया सभी। उसके बाद वादर नरेंद्र कुमार जी ने दोस्तों सलामी दी। हम सब जानते हैं कि ये तिरंगा हमारी आस्था का, हमारी एकता का, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। इसी के तले हम 75वां स्वाधीन पर्व मना रहे हैं। सभी महानुभावों से निवेदन किया जाता है, हवलदार नरेंद्र कुमार जी दोस्तों सलामी दी। मुख्य अतिथि महोदय जी ने सलामी स्वीकार की। मैं निवेदन करूंगा सभी महानुभावों से कि अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर पधारे हुए सभी
सम्माननीय गणों का, जनता जनार्दन का, सेलिब्रेशन की कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान सुमेश सुपोलिया जी, उनका साथ दे रही हैं बीडीसी चेयरमैन श्रीमती सुषमा जम्बाल जी, और तीसरे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वर्दी एडीसी बसोली मिस्टर तिलकराज जी थापा, उनका साथ दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं उनके साथ तहसीलदार बसोली मिस्टर अमन जी आनंद, एसडीपीओ बसोली मैडम शाजिया अख्तर जी, और एसएचओ बसोली मिस्टर सिकंदर सिंह चौहान जी, आप सबका सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब मैं गुजारिश करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुमेश सुपोलिया जी से, सर आप आए और मंच पर आज के इस पुनीत पर्व पर अपने विचार रखें। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुमेश सुपोलिया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और आज आप सबके बीच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझको ये झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब बसोली की जनता, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद, आप सबको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई। आज इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से अमृत महोत्सव चल रहे हैं, लोग अलग अलग किस्म के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बार फिर आप सबको इस आजादी के दिवस पर बहुत बहुत बधाई चुके हैं, जिसमें गलियां, नालियां, टाउन ड्रेनेज के काम, जो कि अफसोस ये है कि हमारा जब 19 में ये महकमा जो था वो बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से अभी हमें पूरे शहर का, जितनी भी हमारी नगर कमेटी है, उसका एक पूरा प्रपोजल बना के जल्दी राज्यपाल महोदय को देने वाले हैं। इसके बीच हमने टिपर दो अलग अलग गांवों के सरपंच और नगर पालिका के सभी पार्षद, आपका और स्वतंत्रता सेनानी, आप सबका 75वें दिवस की इस पुनीत मेला में थोड़े थोड़े खुले हो सारे सर, थोड़े खुले। आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सोशल फॉरेस्ट की ओर से ये जो है पौधे हैं जो उपलब्ध करवाए गए हैं, सोशल फॉरेस्ट की ओर से ये पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें हमारे आज के सम्माननीय गण जो है अपने हाथों से पौधा रोपण करके एक स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मकान बनाने के लिए तो जंगल में जाकर के किसी भी व्यक्ति को कुल्हाड़ी से काट देते हैं, मगर उससे पहले ये सोचना सोचे कि क्या हमने अपने हाथों से पौधा लगाया भी है। अगर यह सोच हमारे मन में घर कर जाए तो निश्चित रूप से ये जो धरती है अन्न धन जन से बिल्कुल भरपूर प्रसन्न हो जाए। सोचते रहिए है तो हमारा प्रयास सार्थक हो, इसे शुभकामना के साथ सोशल फॉरेस्ट डीएफओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गाना बीच में ना रुक जाए, इसलिए जैसा कि आपने देखा कि पौधारोपण के बाद ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बसोली जी, उन्होंने पौधा लगाया और लोगों को संदेश दिया कि हमें पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है साफ हो सके और
अच्छी ताज़ी हवा हम लोग ले सकें। तो हर किसी को पौधा लगाना चाहिए, पौधे काटने नहीं बल्कि लगाने चाहिए। उसके बाद बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम किया, स्टेज पर देख सकते हैं आप नृत्य करती बच्चियां मंच पर नृत्य कर रही हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को किया गया। दूसरा स्मृति चिन्ह जो है ये देंगे गैस अवानर बीडीसी चेयरमैन श्रीमती सुषमा जिंदाल जी को। एडीसी सर, तालियों से स्वागत किया जाए। रिक्वेस्ट करूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि आप अपने कार्यक्रमों से स्मृति चिन्ह जो है ये आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडीसी दसोरी जी को अपने कार्यक्रमों से भेंट करेंगे। उनका साथ देंगी वीडीसी चेयरमैन साहिबा। योगा तालियां से स्वागत किया जाए। अमन कुमार आनंद जी को यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, तालियां इनके लिए भी तो बजनी चाहिए। तालियों से स्वागत किया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मिस्टर पीआर सांगरा जी, इनको भी प्रशासन की ओर से सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से यह स्मृति चिन्ह। इसके बाद श्री रोमेश सिंह तहसीलदार महान पर इनको मोमेंटो दिया जाए, लेकिन ये अपने वहाँ पे किसी का नहीं आ सके हैं। अगले हैं मिस्टर अल्ताफ हुसैन जी नायब तहसीलदार ढूंढ। सर आप भी जल्दी से मंच पे आएँ, अपने इलाके में इन्होंने भी मान पर ये अपने अपने ब्लाक में झंडा चढ़ाएंगे, लेकिन इनको भी लोगों की सेवा की है। और कोरोना काल में मिस निशा रानी वीडियो ढूंढ, ये भी शायद यहाँ पर नहीं है। बसोली की जनता, बसोली की एडमिनिस्ट्रेशन, बसोली की पुलिस, JKP, CRPF, मिलिट्री सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने बसोली का लैंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है। ये हैं CRPF के जवान इंस्पेक्टर संतोष शर्मा जी जिन्हें इनाम दिया जा रहा है, और इनके बाकी साथी जो बसोली में तैनात हैं अशोक शर्मा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल माई वीडियोज़ मल्टी ब्लॉग्स वाई इंडियन। जय हिंद दोस्तों।